और राज इसके बाद शायद अध्यक्ष जी ने मेरे लिए कोई काम नहीं रखा है, कार्यकर्ताओं को मिलना अच्छा भी है इसके बाद भी है, अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, दो चुनाव ऐसे गए 2009 और 14 के, आईपीएल मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था। आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, आईपीएल मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्जाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं। बहुत शानदार रहा चुनाव, एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ और थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के रिजल्ट से 4-5 दिन पहले होता है, वेरी गुड। अच्छा ये मैंने सुना है कि कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज अकंपनिंग मिस्टर अमित शाह इन अ प्रेस ब्रीफिंग, अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और रणदीप जी ने मुझे बताया कि पीछे से दरवाजे भी बंद हो गए हैं, जो जर्नलिस्ट अंदर घुसना चाहते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। मैंने इनसे कहा 2-3 जर्नलिस्ट भेज दीजिए वहाँ पे, हमारे साइड से भी 1-2 सवाल पूछे, कहते नहीं भेज सकते, दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। बड़ा ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मेरा तो चैलेंज है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी डिबेट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लाइव कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूँ। प्रधानमंत्री जी आपने मुझसे राफ़ाइल पे डिबेट क्यों नहीं किया, जवाब दे दीजिए।